डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतना बड़ा सपना देखा, उस सपने को हम साकार करने की तरफ जो है वो आगे बढ़ते रहे। भारत का संविधान राष्ट्र का सर्वोच्च विधान ही नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का सपना है जिसे इस देश की भावी पीढ़ी को पूरा करना है। कैसे यह देश एक समर्थ और विकसित राष्ट्र बने, इसमें समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे जैसे उच्च मानवीय आदर्श का समावेश हो, इसकी पूरी रूपरेखा संविधान प्रस्तुत करता है। संकीर्णता, रूढ़िवादी और अन्याय अमानवीय व्यवस्थाओं के स्थान पर समानता, न्याय, समृद्धि और सुरक्षा की व्यवस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान शिल्पी के रूप में प्रस्तुत की थी। सबसे बड़ी बात जो उनके मन मस्तिष्क में रही वह थी स्त्रियों और अनुसूचित जाति के लोगों की नरकीय और पशु से भी बदतर स्थिति। इस स्थिति में भारतीय समाज के 3/4 भाग को पंगु बना दिया था। भारत के संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने स्त्रियों को समानता के पूरे पूरे अवसर प्रदान किए ताकि वे हीनता की डेरियों को तोड़कर स्वतंत्र हो सके। भारत के संविधान में हर तरफ महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किए गए। लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया। यदि भारत के संविधान की हम शब्दावली पर गौर करें या उसके अर्थ को समझें तो हमें पता चलेगा कि भारतीय संविधान भारतीय महिलाओं की समानता का सबसे बड़ा पोषक है, प्रवक्ता है और उनके अधिकारों की सबसे बड़ी गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 अपने आप में बोलता है कि भारत का संविधान समानता और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के वैधानिक और प्रशासनिक प्रावधानों के अंतर्गत महिलाओं की समानता, नारी कल्याण के लिए अनेक कानून केंद्र और राज्य सरकारों ने बनाए हैं। इसमें सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के भरसक प्रयास किए गए हैं, जैसे कि दहेज, बाल विवाह, दैहिक शोषण आदि को रोकने संबंधी कानून बनाए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के प्रावधान में एक और महिलाओं को सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियों में आने के अवसर प्रदान करता है। वही महिलाओं के नौकरियों में आरक्षण के औचित्य को भी सही ठहराता है। महिलाओं को अपना विकास और उन्नति के अधिकार प्रदान करता है जिस प्रकार पुरुषों को अधिकार प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार में उन्होंने दैहिक शोषण को सबसे महिलाओं के लिए सबसे बुरी विडंबना माना। यह शोषण विभिन्न रूपों में आदिकाल से चला आ रहा है, चाहे वह देवदासी परंपरा हो या फिर वेश्यावृत्ति हो। इन्होंने नारी को हमेशा एक भोग्या की वस्तु बनाया है। सदियों तक इस समाज में एक और पुरुषों को अनेक पत्नियां रखने का अधिकार था और स्त्रियों को विधवा होने पर भी दूसरी शादी का अधिकार नहीं था। सदियों से चले आ रहे इस सामाजिक अन्याय के कलम को भारतीय संविधान भारतीय समाज के सिर पर पूरी तरीके से खत्म करने का श्रेय भारत के संविधान ने दिया, जिसके निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। अगर मैं डॉक्टर अंबेडकर को द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा साबित किया और इसके अलावा वो पहले नारीवादी थे, फेमिनिस्ट। मैं तो कहती हूँ कि केवल अनुसूचित जाति की महिलाओं को ही नहीं, प्रत्येक महिलाओं को
हमेशा उनका गुणगान और वास्तविक रूप से उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे बड़े नारीवादी थे। देखिए, इंग्लैंड और अमेरिका की महिलाओं को वोट के अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन भारत की महिलाओं को आपने कभी नहीं सुना होगा कि भारतीय महिलाओं को वोट देने के लिए संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय ही महिलाओं को वोट का अधिकार दे दिया था। इसलिए भारत की महिलाओं को हमेशा उनका ऋणी होना चाहिए। इवन इंग्लैंड और इंग्लैंड जर्मनी की महिलाओं ने भी वोट डालने के लिए संघर्ष किया, लेकिन भारतीय महिलाओं को नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमारे डॉक्टर अंबेडकर हमारे साथ थे, जिन्होंने हमारे अधिकारों का ध्यान रखा और हमें इतना बड़ा अधिकार, वोट डालने का अधिकार दिया। क्योंकि पहले ये सोचा जाता था कि महिलाओं की मानसिकता जो है वो मानसिक रूप से इतनी सबल नहीं है कि वोट डालने का अधिकार उन्हें दे दिया जाए, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं की योग्यता से शुरू से ही अवगत थे। वे महिलाओं को बेहद सम्मानित समझते थे और योग्य भी समझते थे, इसीलिए संविधान के साथ ही डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें वोट डालने का अधिकार दिया। इसके अलावा महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन देने का भी अधिकार डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जो कि इस देश की महिलाएं जब भी मैटरनिटी लीव का लाभ उठाती हैं, तो शायद ही कभी डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेती हैं, लेकिन चाहे सामान्य वर्ग की महिला हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, जब भी महिलाएं ये मैटरनिटी लीव का लाभ लेती हैं, तो उन्हें हमेशा डॉक्टर अंबेडकर को याद रखना चाहिए। ये इतनी बड़ा लाभ भी डॉक्टर अंबेडकर का ही दिया हुआ। इसके पीछे रीजन ये था कि बच्चों का जन्म देना महिलाओं का अनिवार्य कार्य है। डॉक्टर अंबेडकर ने बालकों के स्वास्थ्य पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी सरकार पर डाली, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश की पूरी सुविधा प्रदान की गई। प्रसूति महिलाओं एवं गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य की पूरी सुरक्षा के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। एक स्वस्थ शिशु ही राष्ट्र का भविष्य है। इस तथ्य को डॉक्टर अंबेडकर ने सदैव ध्यान में रखा और संविधान में वैसी ही व्यवस्था कर उसकी सुरक्षा की गारंटी पर मोहर लगाई। इसके अलावा अक्सर हम महंगाई से परेशान रहते हैं कि इतनी महंगाई हो रही है। देखिए, इतने साल पहले ही डॉक्टर अंबेडकर ने हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की बात की थी। हमारी महिलाएं अक्सर महंगाई से परेशान रहती हैं, जिसकी व्यवस्था डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत साल पहले की थी। यानी कि ऐसा शायद ही कोई पहलू हो जिस पर डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा समझा ना हो। हर एक चीज के ऊपर, बीमा से लेकर, महंगाई से लेकर, महिला अधिकारों से लेकर, हर एक पहलू पर उन्होंने गहराई से अध्ययन किया और उसके बारे में प्रावधान बनाए, जो कि हमारे सामान्य लोगों को इसकी बहुत कम जानकारी होती है। तो मैं चाहूंगी कि ये सब भी, महंगाई भत्ता लेते समय, मैटरनिटी लीव लेते समय, हमेशा डॉक्टर अंबेडकर के किए हुए कामों को हम अपने हृदय में जरूर याद रखें कि एक भगवान इस धरती पर आया था और उन्होंने हमें वास्तविकता में, यथार्थ में अधिकार दिए और हमें सम्मान पूर्वक और गरिमापूर्ण जीने का अधिकार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।